गाइस, वेलकम टू आवर न्यू फ्लो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी बज रहे हैं गाइस सुबह के 12 एंड हमारी सुबह काफी तेज से हो गई है। आज हम सुबह जल्दी उठ गए हैं बिकॉज गाइस आज हमारे घर में बहुत ही ज्यादा परेशानी का माहौल चल रहा है, क्योंकि आज मेरे भाभी के हो गया है लेबर पेन स्टार्ट, जो कि उनका 9 मंथ जो है वो एंड होने वाला है। तो उनके लेबर पेन जो है वो शुरू हो गए हैं। तो गाइस उन्हें सुबह 9 बजे हॉस्पिटल लेकर के गए हैं, सुबह 9 बजे के वो हॉस्पिटल में हैं। तो अभी उनको धीरे धीरे कम कम पेन जो है वो आ रहा है, लेकिन गाइस हमें डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा डरा दिया है, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको पेन जो है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बेबी की जो मूवमेंट है वो अंदर थोड़ी कम हो रही है एंड उसका जो हार्ट बीट है वो भी कम हो रही है। तो उन्होंने नेक्स्ट हॉस्पिटल के यानी कि सिटी हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, तो सिटी हॉस्पिटल से उन्होंने वहाँ टांडा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। तो अभी वो देख रहे हैं कि उन्हें टांडा नज़दीक पड़ेगा या यहीं कहीं पास में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो वो वहाँ जाएंगे। लेकिन गाइज हम लोग सच में बहुत ज़्यादा परेशान हैं आज के दिन में। आप खुद सोच सकते हैं कि 9 मंथ बेबी को पेट में रखना एंड उसके बाद अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो क्या कंडीशन होती है। तो सब बहुत ज़्यादा परेशान है एंड घर में भी सबका बहुत ज़्यादा परेशानी का माहौल चल रहा है। भाभी भी बहुत ज़्यादा डर गए हैं। तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि यार मैं व्लॉगिंग करूँ या मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन हाँ मैं सिर्फ इसलिए व्लॉगिंग कर रही हूँ या आप सबसे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप सबकी विशेज की ज़रूरत है। हम सबको आप सबके विशेष की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि यार आप सब लोग दुआ करोगे, विश करोगे हमारे लिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, नॉर्मल तरीके से हो जाए और बेबी भी सही सलामत इस दुनिया में आ जाए एंड मेरी भाभी भी जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहें, तो हेल्थ उनकी सही रहे। तो गाइस प्लीज़ विश करना, दुआ करना अपने गॉड से, अपने भगवान से कि सब कुछ सही हो जाए। और कल जब मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूं तो एक गुड न्यूज़ के साथ मिलूं, एक अच्छी खुशखबरी के साथ मिलूं, एक लिटल चैम्प के साथ मिलूं। तो प्लीज़ गाइस यार विश करना कि सब कुछ सही हो जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सबकी सपोर्ट की, आप सबकी विशेज की। सो बाय बाय, इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ एंड दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि कल जब मैं आपसे मिलूँ तो एक गुड न्यूज़ के साथ मिलूँ। बाय।